क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बुलेट पर पूरे शहर का चक्कर लगाया, काफी जोश देखने को मिल रहा था। मित्रों, सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको आज 2 मार्च के दिन मोटरसाइकिलों पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने विधायकों के साथ निकलना है, उसी क्रम की उसी कड़ी में आज करनाल के विधानसभा के लगभग 1000 मोटरसाइकिल के ऊपर युवा युवतियाँ नौजवान सब लोग बड़े उत्साह से उन्होंने पूरे शहर का लगभग 12 किलोमीटर का एक ग्राउंड लगाया है। और मैं समझता हूँ जनता के संदेश देने के लिए आखिर इस समय अपने देश में एक जिस प्रकार का एक माहौल बना है पुलवामा की घटना के बाद, पुलवामा में हमारे देश के 44 शहीद वो वीरगति को प्राप्त हुए, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की सार्वभौमिकता के लिए देश का नागरिक मजबूती से खड़ा हो, ये भी एक संदेश देना है। और इसके साथ जो कि लोकतंत्र में चुनावी उत्सव 5 साल बाद आता है, तो लोकसभा का चुनाव आया है अभी आ रहा है, तो उसमें भी जनता को एक मैसेज देना कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। जिस प्रकार से उन्होंने इस सारे एपिसोड को जिस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया है, सेनाओं को खुली छूट दी कि आप किसी भी प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावने वाले देशों के खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, समय स्थान तरीका वो पर्याप्त ढूंढें, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सेना ने हमारे जांबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 किया और जैश-ए- मोहम्मद का जो ठिकाने है उसको ध्वस्त किया है, उनकी मैं सराहना करता हूँ। और इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश भविष्य में सुरक्षित रहेगा। हमने अगले 5 साल में लोकसभा चुनाव नजदीक है और स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की इस बार पुरजोर मांग गई है कि स्थानीय उन्हीं के बीच में से कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो जिसको टिकट मिलनी चाहिए, बाहरी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल में राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत अच्छे कार्यकर्ता जितने भी हमारे हैं वो सब जो चुनाव को लड़ सकते हैं, चुनाव को ठीक से जीत सकते हैं और अपने क्षेत्र की जहाँ से वो चुनाव जीतेंगे वहाँ की बातचीत लोकसभा में ठीक से उठा सकते हैं, वहाँ की मांगों को रख सकते हैं। ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड वो चुनाव में पार्टी को उतारेगा और निश्चित रूप से जिसको भी उतारेंगे उसकी जीत होगी। सर, अरावली पहाड़ियों पर हरियाणा सरकार ने निर्माण के लिए एक कानून पास किया था लेकिन एससी ने रोक लगाई है कि उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एससी के किसी विषय पर चर्चा करना मैं समझता हूँ मीडिया के माध्यम से उचित नहीं है। आखिर एससी और सरकार जो भी कोई आपस में चर्चा करके कहीं कोई जो ठीक बात होगी वही आगे बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा कुछ आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।